हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन फिक्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक फ़ोन है वीवो का, जो कि एक वीवो V15 मॉडल है, MT के चिपसेट वाला है। ठीक है, इसके अंदर EMMC लगा हुआ है और एक स्टूडेंट का फ़ोन यहाँ पे आया है हमारे पास, जो कि एक डेड कंडीशन में लाया है फ़ोन। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ़ोन हमने थोड़ा सा चेक किए थे, तो ये पोर्ट वगैरह बना रहा है, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको कि ये ऑटो पोर्ट बना रहा है इस कंडीशन में। ये DC पे भी हम चेक किए, ये स्टक हो रहा है रीडिंग, ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, DC पे भी ऑन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये ऑटो पोर्ट बनाने लगा है। तो सबसे पहले अगर ऑटो पोर्ट बना रहा है तो सबसे पहले तो हम इसको फ्लैशिंग करके देखेंगे, क्योंकि अगर ये किसी ने, कोई टेक्नीशियन ने इसको अगर गलत फाइल चढ़ा के या फाइल राइट करके फ़ोन को डेड किया होगा या उसको फुल इरेज कर दिया होगा, तो हो सकता है उसके पार्टीशन इरेज हो गए होंगे, या फिर हो सकता है कि ये एक कंडीशन से लग रहा है कि ये डैमेज होगा, तो हो सकता है ये गिरने के कारण भी EMMC डैमेज हो सकती है। तो ये बोल नहीं सकते प्रॉब्लम कहाँ से होगा, तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे सारा कुछ। तो पहले तो ये ऑटो पोर्ट बना रहा है, मतलब CPU हमारा ओके है, और यहाँ पे हम इसको सबसे पहले तो फ्लैशिंग करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ अगर फ्लैशिंग में एरर आता है तो उस कंडीशन पे हम उसको काम करेंगे। अगर वो EMMC का बता रहा है प्रॉब्लम, तो EMMC का काम करेंगे। अगर हेल्थ का प्रॉब्लम बता रहा है तो हेल्थ काम करेंगे। अगर EMMC डेड बता रहा है तो EMMC चेंज करेंगे। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस होता है। तो इसकी फ्लैश फाइल हमने ऑलरेडी डेस्कटॉप पे रखी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी फ्लैश फाइल, जो हमारी इसकी वीवो V15 मॉडल है, तो इसकी मैंने फ्लैश फाइल आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करके रखा है, क्योंकि 5 से 6 GB का फाइल होता है, तो टाइम लगता है एक्सट्रैक्ट होने में, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो यहाँ पे शॉर्ट वीडियो करने के लिए मैं आपको यहाँ पे फाइल पहले से एक्सट्रैक्ट कर दिया। इसका आप मॉडल देख सकते हैं, PD1831F मॉडल आता है, जो कि ये वीवो का, ये V15 का इसका प्रोडक्ट कोड है। तो ये फाइल हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके रखी है डेस्कटॉप पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं ये फाइल को ओपन करके दिखा लेता हूँ। इसके अंदर स्कैटर फाइल मिलेगी आपको, जो हमारी वीवो की, वीवो में MediaTek का चिपसेट लगा हुआ है, MT स्कैटर फाइल मिलेगी इसमें। अब ये फाइल को हम इसमें SP टूल से फ्लैश कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको आपको पहले तो पोर्ट चेक करवाता हूँ कि ये फ़ोन एक्चुअली ये पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है, ये जो भी कंडीशन है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बता देता हूँ, डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेंगे। तो अब यहाँ देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर ओपन हो गया है। अब मैं इसमें कोई की वगैरह प्रेस नहीं करूँगा, डायरेक्टली यहाँ पे मैं केबल इंसर्ट करता हूँ। तो ये जैसे ही केबल इंसर्ट कर लेने के बाद आप देख सकते हैं MT MediaTek USB पोर्ट V1632 पोर्ट बनाने लगा है। तो ये ऑटो पोर्ट बना रहा है और पोर्ट स्टेबल है, मतलब ये पोर्ट मतलब जैसा कि स्टेबल नहीं होते, आता है और चले भी जाता है, तो इस तरह का ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये पोर्ट स्टेबल है, स्टेबल का मतलब एक तो फर्मवेयर नहीं है इसके अंदर, या एक तो EMMC डेड हो चुकी है, या EMMC ठीक से लगी नहीं है, इस तरह का ये एरर हो सकता है अगर ये पोर्ट स्टेबल है। अगर कभी ऐसा होता है कि EMMC सही है, फाइल भी सही है और हेल्थ का प्रॉब्लम है, इसमें कभी आपका पोर्ट रहता भी है और चले भी जाता है, तो यहाँ पे मुझे तो डाउट ये है कि इसका EMMC हेल्थ का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं फ्लैश करके देखता हूँ, हो सकता है फर्मवेयर मेरा इसमें नहीं है। तो सिंपली मैं यहाँ पे टूल ओपन कर लेता हूँ, SP फ्लैश टूल। सबसे पहले हम इसको टूल ओपन कर लेंगे, लेटेस्ट का वर्जन टूल होना चाहिए, याद रखिए कभी भी ओल्ड वाला टूल या ओल्ड ड्राइवर, ओल्ड फाइल से काम ही नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा काम लेटेस्ट फाइल से ही करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं टूल ओपन कर लेता हूँ, सबसे पहले SP फ्लैश टूल से करेंगे हम फ्लैश इसको। तो यहाँ पे हमारी ये SP फ्लैश टूल जो वर्जन आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सिंपली इस टूल को ओपन कर लेता हूँ, और ये हमारा फ्लैश टूल। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ये टूल ओपन कर लेंगे, ओके कर लेंगे, और यहाँ पे कोई भी स्कैटर फाइल लोड नहीं है, तो सिंपली हम यहाँ पे हमारी स्कैटर फाइल जो हमने डेस्कटॉप पे सेव किए थे, अब डेस्कटॉप पे भी रखने का एक रीज़न होता है कि कभी कभी फाइल इनवैलिड बताता शो करता है, तो डेस्कटॉप पे रख के ही फ्लैश करेंगे तो सबसे बेस्ट होगा आपका। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्कैटर लोडिंग कर लेता हूँ, और डेस्कटॉप पे आके यहाँ पे मैं सिंपली V15 आने के बाद, तो यहाँ पे ये फोल्डर ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हमारी स्कैटर फाइल को लोड कर ली। तो हमारी यहाँ सिंपली स्कैटर फाइल लोड चुकी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं फ्लैशिंग अभी मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, डायरेक्टली फ्लैश अगर करूँगा तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम आएगा, जैसे कि ऑथ फाइल नीडेड का एरर आएगा। तो ऑथेंटिकेशन हमें करना है इसको, सबसे पहले तो फ्लैश करने से पहले ऑथेंटिकेशन बाईपास करना है। तो ऑथ बाईपास करने के लिए मेरे पास इसका टूल है, जो कि डेस्कटॉप पे ही रखा हुआ है, MTK बाईपास टूल।
तो सबसे पहले मैं ये टूल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरा टूल ओपन हो गया है और यहाँ पे सिंपली बाईपास पे मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोन को केबल में इंसर्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे पोर्ट मेरा कनेक्ट हो गया और यहाँ पे प्रोटेक्शन डिजेबल हो चुका है। अब सिंपली मैं यहाँ पे फोन को साइड में रख लेता हूँ और यहाँ एसपी टूल पे आने के बाद मैं इसको यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे रेड जो हमारी पट्टी है वो रन हो चुकी है। और इसके बाद अगर यह स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे चीफ इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो इसका मतलब हमारी मिमसी लग गई है। लेकिन देखेंगे यहाँ पे तो ये इसी पे स्टक है और इसके आगे नहीं जा रहा है। यहाँ पे ना चीप इन्फॉर्मेशन आ रहा है ना इसके आगे कोई फ्लैशिंग का फाइल राइड हो रहा है। तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, लेकिन इतना टाइम तो कभी नहीं लेता है। अगर प्रॉब्लम है इसके अंदर, एमएमसी डेड है या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इतना टाइम नहीं लेता है, तुरंत वो आपको एमएमसी डिटेक्ट कर लेता है। अगर डिटेक्ट नहीं हो रहा है मतलब एमएमसी हमारी एमएमसी खराब हो चुकी है। तो वैसे भी इतना टाइम नहीं है, लेना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम एमएमसी का ही डाउटफुल हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है, ये फर्स्ट पे बूट पे ही अटक गया है और इसके आगे नहीं जा रहा है। तो क्लियर ये है कि यहाँ पे ये एमएमसी का ही फॉल्ट है। अब यहाँ पे हम सीधा सिंपली इसका बोर्ड ओपन करेंगे और उसके बाद इसको हम बोर्ड ओपन करने के बाद इसको हम एमएमसी चेक करेंगे, इसके अंदर एमएमसी कौन सी लगी है। और उसके बाद एमएमसी का हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंदर एमएमसी का प्रॉब्लम है, ये एमएमसी डेड है या चालू है, वो हम यहाँ नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये फ़ोन यहाँ पे स्टक हो चुका है और इसके आगे जा नहीं रहा है। चलो तो यहाँ पे हम बोर्ड सिंपली यहाँ से बोर्ड रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोर्ड सिंपली रिमूव कर लिया। तो और अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे शील्ड ऑलरेडी किसी ने निकाल के इस पर कुछ शायद काम वगैरह किया होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है कि किसी ने एमएमसी के ऊपर काम किया होगा या फिर उसके अंदर कुछ तो प्रॉब्लम होगा है। तो यहाँ पे हम सिंपली देख लेंगे एमएमसी निकाल के क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ चुका है, एक प्रोटोकॉल का कुछ एरर आ रहा है जो कि एमएमसी यहाँ पे फ्लैशिंग नहीं कर पाया सॉफ्टवेयर को। तो सबसे पहले आप इसकी एमएमसी हम निकालेंगे और ईओएफआई के बॉक्स से हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरे में इसके अंदर जो एमएमसी ब्रांड लगी है, ठीक है, ये हमारा सीपीयू है मीडियाटेक का और यहाँ पे आप देख सकते हैं एसके हाइनिक्स का एमएमसी लगा हुआ है और इसका कोई आसपास में पहले से कुछ ग्लू कट किया हुआ, मतलब इस पर कुछ काम किया हुआ है ऑलरेडी। तो एक बार हम देखेंगे एमएमसी निकाल के इसकी और इसकी एमएमसी एक बार चेक भी कर लेंगे। अगर इसकी एमएमसी ओके है तो हो सकता है इसका हेल्थ का प्रॉब्लम, ज़्यादातर एसके हाइनिक्स में एमएमसी हेल्थ प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर ये एमएमसी डेड है तो हमारे पास दूसरी एमएमसी अवेलेबल है, इसकी जगह पे हम एमएमसी भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहले तो हम इसको डायग्नोस करेंगे ये एमएमसी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो चलो सबसे पहले ये एमएमसी को रिमूव कर लेते हैं और वैसे देख के लग रहा है इसका ब्रेसलेट ऑलरेडी निकला हुआ है, तो सिंपली हम इसको नॉर्मली निकालेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे पेस्टेड इसका निकला हुआ है और ये एमएमसी इजीली निकल गई है। इसके बाद ये एमएमसी को हम एक बार चेक कर लेंगे, ये एमएमसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है या कुछ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसके हाइनिक्स का इसके अंदर एमएमसी निकला हुआ है
और इसका नंबर भी आप देख सकते हैं, H9HP52AECMMD, ठीक है, ये नंबर इसका पार्ट नंबर होता है। और ये BGA हमारी 254 की इमिंगसी लगी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये MMC एक बार हम चेक कर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ये MMC निकाल लिए। अब इसको एक बार चेक करेंगे हम UFI बॉक्स में लगा के देख लेंगे। तो यहाँ पे ये MMC को हम सिंपली यहाँ पे बॉक्स में लगा लेंगे और इसका UFI का टूल ओपन कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे UFI का हमने MMC टूल ओपन कर लिए और यहाँ पे सिंपली हम यहाँ MMC लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ MMC लगा दिया। एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं MMC को, देखेंगे यहाँ MMC हमारी डिटेक्ट हो रही है नहीं हो रही है। तो जैसे कि यहाँ पे डिटेक्ट तो कुछ भी हुआ नहीं है, जैसे यहाँ एरर आ चुका है, MMC CMD एरर बता दे रहा है, MMC नॉट कनेक्टेड, ठीक से नहीं लगी है। एक बार देख लेंगे MMC में कोई गर्म, कभी एक बार ये भी देख लेना है कि MMC गर्म हो रही होगी या ख़राब हो गई, शॉर्ट है, तो एक बार उंगली लगा के भी चेक कर लेना, हाथ लगा के देख लेना है। क्योंकि कभी अगर आपका बॉक्स गर्म हो रहा है, MMC गर्म हो रही है और हम चेक नहीं करते हैं, तो इसमें आपका बॉक्स भी ख़राब हो सकता है। तो एक बार फिर से मैं ट्राई कर लेता हूँ, एक बार इसके ऊपर मैं फिंगर रख लेता हूँ और फिर एक बार चेक कर लेता हूँ कि IC मेरी ख़राब तो नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे फिंगर से पकड़ के भी रख लिया है MMC को, तो भी नई MMC डिटेक्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये MMC ऑलरेडी डेड है और ये MMC ख़राब होने के कारण ही ये पोर्ट बनाना स्टार्ट किया था। आप देख सकते हैं ये SK हाइनिक्स का MMC है जो हमने अभी MMC बोर्ड से निकाली है। तो ये MMC हो चुकी है डेड, तो इसका अभी MMC चेंज करके ही देखना होगा हमें। MMC चेंज करेंगे इसका, तो ये BGA 254 का MMC है और इसकी जगह हम सैमसंग के लगाएंगे, RPM भी क्लीन वाली लगाएंगे। तो जैसे कि नोट 6 प्रो में जो हम MMC लगाते हैं, सेम वही MMC इसमें कॉम्पेटिबल हो जाएगी, क्योंकि MMC के अंदर जितने भी BGA 254 लगे हैं, जितने भी मॉडल में लगे हैं, वो सब में एक ही नंबर के, पार्ट नंबर के लग जाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक MMC है, सैमसंग की ही है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। एक बार बोर्ड में देख लेंगे, तो एक बार यहाँ पे देख सकते हैं सैमसंग की MMC मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये B422 इसका नंबर है, पार्ट नंबर, ठीक है, ये पार्ट नंबर है। उसके बाद ये प्रोडक्ट नेम BKMDH6001DM, तो ये प्रोडक्ट नेम है इसका MMC का। तो ये MMC BGA 254 का है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये MMC को हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये MMC का RPM भी जो है तो क्लीन है या नहीं है, इसके अंदर कोई फॉर्मवेयर है वो एक बार देखेंगे, और उसके बाद ये MMC को हम कॉम्पेटिबल में लगा के इसके अंदर प्रोग्रामिंग करके इसको चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बॉक्स में लगा लेते हैं, तो सबसे पहले ये MMC को हम बॉक्स में लगा लेंगे। ठीक है, तो ये MMC हमने बॉक्स में लगा दिया। एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं सैमसंग के MMC को। तो जैसे कि ये MMC ऑलरेडी RPM भी क्लीन करके और ये पूरी MMC इरेज किया हुआ है, तो यह ऑथेंटिकेशन नॉट की ये प्रोग्राम लिख के जो आ रहा है, इसका मतलब इसका RPM भी ऑलरेडी क्लीन करके रखा हुआ है MMC है ये। और यहाँ पे हम इसका एक बार हेल्थ भी चेक कर लेंगे,
तो यहाँ पे हेल्थ भी 0 to 10% दोनों में बता रहा है, SLC और MLC दोनों के अंदर हेल्थ भी नॉर्मल ही बता रहा है। तो ये MMC को हम सिंपली बोर्ड में लगा लेंगे और इसको प्रोग्रामिंग USB से फ्लैशिंग करेंगे। अब ये MMC हम चेंज कर रहे हैं, ना हमारे पास इसका डंप है, ना पुराने MMC का हमारे पास इसका सिक्योरिटी फाइल है, ना पुराना कोई भी डंप फाइल हमारे पास इसका अवेलेबल है, मतलब MMC पूरा डेड है। तो हमें इसका पूरा काम न्यू करना होगा, पूरा डंप तो हम नहीं डालेंगे, पूरा एक प्रोग्रामिंग करके। और सिक्योरिटी भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि इसका ड्यूल सिक्योरिटी वीवो का कैसे रिपेयर करते हैं फ्री ऑफ टूल में। कोई पेड वाला टूल यूज़ नहीं करूंगा, कोई भी मैं फ्लैशिंग भी आपको पेड वाले टूल से नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक फ्री टूल से मैं बताऊंगा सारा प्रोसेस आपका। ये फ्लैशिंग करके MMC चेंज करके चालू करना और उसके बाद IMEI नंबर, इसका जो सिक्योरिटी होता है ड्यूल का, ये भी मैं आपको फ्री ऑफ टूल में ही बताऊंगा, पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें कोई भी मैं वीडियोस को स्किप नहीं करने वाला हूं, पूरा ना कोई चीज़ हाइड करने वाला हूँ, सारा चीज़ मैं इसमें आपको शो करने वाला हूँ। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको देखना है एंड तक, ठीक है। तो ये MMC के अंदर मैं यहाँ से कुछ भी मैं इसके अंदर डंप नहीं डालने वाला, ना इसके अंदर कोई फाइल डालने वाला मैं। सिंपली यहाँ पे मैं इसको MMC को मैं खाली EXT CHD रिपेयर कर लेता हूँ, MediaTek का चिपसेट का मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0x48, ये हमारा MediaTek का चिपसेट का कॉन्फिगरेशन है और ये MMC के अंदर मैंने इसके अंदर राइट कर लिया है 0x48। अब सिंपली MMC को हम यहाँ पे उठा के बोर्ड में लगा लेंगे और USB से हम इसको फ्लैशिंग करेंगे। इसके अंदर कोई भी डंप नहीं डाल रहे हैं, हम डायरेक्टली हम इसके अंदर फ्लैश फाइल से फ्लैश करके ऑन करेंगे। तो आ जाते हैं यहाँ पे बोर्ड में और यहाँ पे MMC को हम फिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा बोर्ड है, चलो तो मैं यहाँ पे इसको सही तरीके से लगा देता हूँ। तो पुरानी MMC जो मैंने निकाली थी उसके अंदर जो बॉल थे वो एकदम सही निकले हैं, तो इसके लिए मुझे रिबॉल और ये इसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट उसी बॉल पे मैं इसको MMC को लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे भी हमारा काम बन जाएगा और इसमें टाइम भी बच जाएगा हमारी MMC रिबॉल करने का या उसको हमें क्लीन करने का, इतना टाइम हमारा बच जाएगा। अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है तो आप ये इस तरह से MMC निकाल सकते हो एकदम आधे आधे बॉल में। तो मैं यहाँ पे वही सेम MMC बिठा दे रहा हूँ, आधे बॉल में ही बिठा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं सैमसंग की MMC लग रही है। तो यहाँ MMC हमारी लग गई है, फिक्स हो गई है। थोड़ा सा बोर्ड को कूल होने देंगे क्योंकि अभी फुल हीटेड है। उसके बाद हम इसको हमारे फोल्डर में लगा लेंगे और उसके बाद USB से इसको हम फ्लैश करेंगे। तो ये डायरेक्टली पोर्ट बनाएगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी फर्मवेयर नहीं है, इसके अंदर कोई भी हमने प्रोग्रामिंग नहीं किया, ना डंप फाइल डाला ना कुछ डाला हुआ है। इसके अंदर सिर्फ एक हमने ब्लैंक MMC लगा के एक MediaTek का कॉन्फ़िगरेशन राइट किया हुआ है और इसके अंदर हमने फिक्स कर दिया बोर्ड के अंदर। अब इसको हम USB से फ्लैशिंग करेंगे और वो भी फ्री ऑफ टूल में करेंगे, SP फ्लैश टूल से ही करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा बोर्ड। तो थोड़ा सा बोर्ड हमारा कूल हो गया है और यहाँ पे हम इसको फिक्स कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोर्ड लग गया।
ठीक है, तो यहाँ पे ये सब कनेक्टर भी लग गए हैं और एक बार हम इसको चेक करेंगे ऑटो पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है। उसके बाद हम इसको एसपी टूल से फ्लैश करेंगे। तो यहाँ पे हमने एमएमसी को फिक्स कर दिए, एक बार पोर्ट चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे पोर्ट बना रहा है अभी भी, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके अंदर कोई भी फाइल हमने प्रोग्रामिंग नहीं की है तो ये डायरेक्टली पोर्ट बनाएगा। अब यहाँ पे हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एसपी टूल में आएंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग जो फाइल ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट किए थे एसपी टूल के अंदर, वही फाइल से हम यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको फ्लैश कर देंगे। तो बाईपास टूल ओपन करना होगा सबसे पहले, तो फ्लैशिंग स्टार्ट करने से पहले बाईपास टूल ओपन कर लेंगे और इसको हम ऑथेंटिकेशन बाईपास कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बाईपास पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारा हो गया बाईपास। और इसके बाद इसको मिनिमाइज कर देंगे, टूल को कट नहीं करना है, बाईपास होने के बाद टूल को कट नहीं करना है। उसके बाद एसपी टूल ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हमें दो फाइल को अनटिक करना है, क्योंकि आपको जब फ्लैशिंग करेंगे तो कभी कभी ये वीवो में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। तो एक सर्वाइवल बोल के फाइल आता है और एक कस्ट बोल के फाइल आता है, ये दो फाइल को हमें यहाँ से अनटिक कर देना है, क्योंकि ये बार बार फ्लैशिंग में आपको एरर देता है, वीवो में सबसे अक्सर प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो ये दो फाइल को हम ऑलरेडी यहाँ पे टिक अनटिक कर दिए और यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा रेड पट्टी स्टार्ट हो गया है फ्लैशिंग के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं चिप इन्फो आ चुका है, थोड़ा सा पास में बताइए। यहाँ पे देखो चिप इन्फॉर्मेशन आ गया और यहाँ पे हमारी फ्लैशिंग भी स्टार्ट हो गई, मतलब ये इसके अंदर ईएमएमसी जो हमने अभी लगाई है सैमसंग की, वो इसके अंदर एक्सेप्ट हो चुकी है और यहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन भी आ गया और यहाँ पे हमारी फ्लैशिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो वेट करते हैं इसको पूरा फ्लैशिंग होने तक, इसको मिनिमम 5 मिनट्स तो लगेंगे, देखते हैं अभी। यहाँ हमारा फ्लैशिंग तो स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो वेट करेंगे इसके लिए। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कैमरे का वीडियोस को स्किप कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी फ्लैशिंग देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारी फ्लैशिंग डन हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार फ़ोन में हमारा कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं। तो एक बार फ़ोन ऑन हुआ है नहीं, एक बार बैटरी निकाल लेते हैं और एक बार निकाल के फिर से लगा के देख लेते हैं, ठीक है। फ्री है तो एक बार मैं यहाँ पे चार्जिंग लगा लेता हूँ सबसे पहले। तो इसका चार्जिंग का लोगो आके बंद हो रहा था, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे चार्जिंग का लोगो आ गया, आप देख सकते हैं चार्जिंग का लोगो इसमें, देखो अब चार्जिंग भी आ गई है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं एक बार ये बैटरी में फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वीवो का फर्स्ट लोगो आ चुका है और इसके बाद देखेंगे अगर यहाँ पे सेकेंड लोगो आ जाता है तो हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे वेट करेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा ये फर्स्ट लोगो पे है और इसके आगे जा रहा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हमने कोई डंप वगैरह काम नहीं किया, विदाउट डंप हमने ये ब्लैंक एमएमसी के अंदर फाइल डाले, फ्लैश फाइल डाले इसकी और इसके अंदर ये डायरेक्टली फ़ोन ऑन हुआ है। तो इसके अंदर अभी सिक्योरिटी फाइल कुछ भी नहीं है, पूरा एमएमसी ब्लैंक था ये। इसके अंदर हम सिक्योरिटी भी राइट करना बता देंगे, हमारे पास इसका सिक्योरिटी भी अवेलेबल है। मैं ये आपको लाइव इसमें कैसे रिपेयर करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। तो अभी ये अभी तक फर्स्ट लोगों पर ही स्टक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। कभी कभी फ़ोन लेट बूट अप होते हैं और कभी कोई फ़ोन जल्दी बूट अप हो जाते हैं, तो वेट कर रही है। वीवो के ज़्यादातर लेट होते हैं, तभी भी ये पावर्ड बाई। तो यहाँ देख सकते हैं ये हट गया है नीचे का, फर्स्ट लोगों का जो एंड्रॉयड पावर्ड बाई एंड्रॉयड आ रहा था वो हट गया है और सेकेंड लोगों पे ये वीवो पे भी स्टक है। तो मतलब ये सेकेंड लोगो आ गया और ये हमारा फ़ोन अभी ऑन होने लगा है। तो वेलकम स्क्रीन जब आएगी तब तक वेट करते हैं, पूरा वीडियो को कंटिन्यू देखना है। तो यहाँ पे वेट करेंगे, वीवो का फर्स्ट लोगो आने के बाद सेकेंड लोगो आ गया है।
तो ये मिनिमम 5 मिनट्स या 2-3 मिनट्स तो टाइम लेगा ही, देखते हैं कितना टाइम लेगा और यह ऑन होगा नहीं होगा वेलकम स्क्रीन पे या सिर्फ सेकंड लोगों पे ही स्टक रहेगा, ये पूरा वीडियो में आपको समझ में आएगा। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। ये वीवो का वैसे मॉडल हमारा V15 मॉडल है, जैसे कि ये कैमरा पॉप अप कैमरा होता है इसका और फिंगरप्रिंट पीछे पैनल पे आता है, ठीक है। तो इसमें मीडियाटेक का चिपसेट लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे हमारा वेलकम स्क्रीन पे आ चुका है, देख सकते हैं आप फ्रंट टच इसका जो वेलकम स्क्रीन है। यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं सिंपली। तो यहाँ पे टेस्ट डिवाइस यूज़ लिमिटेड ये आपको शो करेगा क्योंकि इसकी आरपीएम भी हमने क्लीन करके लगाई है, इसके लिए वीवो में ज़्यादातर इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो इसका मैं बाद में आपको सोल्यूशन दूंगा इस चीज़ का, फ़िलहाल तो मैं अभी एमएमसी चेंज का और अभी सिक्योरिटी का मैं आपको इसमें सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो ये जो होती है आरपीएम भी फाइल डालना रहता है, हमें यूएसबी के थ्रू से डाल सकते हैं हम, चाहे हमारा ये अनलॉक टूल हो या यूएमटी या सीएमटू कोई भी टूल से हम इसकी फाइल डाल सकते हैं। और ये फाइल आपको एक तो नेट पे मिल जाएगी या फिर आप सेम मॉडल से रीड करके राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप दूसरे फ़ोन से भी अगर नेट पर नहीं मिल रही है फाइल या कहीं नहीं मिल रही तो आप उसको नेट से डाउनलोड करके कर सकते हैं या फिर फ़ोन से भी आप रीड एंड राइट कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा फ़ोन पूरा कम्प्लीटली ऑन हो गया, मेन वेलकम स्क्रीन से आने के बाद यहाँ मेनू पे आ गया है, पूरा मेन मेनू आ चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टच भी उस पूरा वर्किंग हो रहा है। मैं आपको एक बार अबाउट फ़ोन में लेके जाके दिखाता हूँ उसका इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर हमने 464 GB का स्टोरेज लगाया है। तो यहाँ पर अबाउट फ़ोन में आ जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 GB रैम और 64 GB का स्टोरेज यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है। ये सैमसंग की एमएमसी हमने लगाई है। इसके अंदर बेसबैंड वगैरह सारा कुछ है, सिर्फ इसके अंदर आईएमआई नहीं होगा, देख सकते हैं आप आईएमआई यहाँ पे 000 शो कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार डायलर में भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर डायलर में आ जाते हैं हम, *06#। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको आईएमआई नंबर यहाँ पर 00000 ऐसा दोनों में दिखा रहा है, मतलब इसमें कोई भी सिक्योरिटी अभी इसमें अवेलेबल नहीं है। अब इसकी हम सिक्योरिटी रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब इसको सिक्योरिटी रिपेयर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे टूल में बता दूंगा किस तरह यहाँ पे टूल में हम रिपेयर करते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो हमने एमएमसी कॉम्पिटिबल लिए थे और इसके अंदर हमने कोई भी डम फाइल नहीं डाले, डायरेक्टली हमने इसके अंदर फ्लैश फाइल से और यूएसबी से हमने इसकी फ्लैशिंग की है। तो यहाँ पे ये पूरा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। अब इसके अंदर सिर्फ बचा है हमारा सिक्योरिटी फाइल डालना है। तो मैं ये भी वीडियो में आपको बता देता हूँ कि वीवो के अंदर MTK का, मतलब मैं वीवो V15 का नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको MTK का प्रोसेस बता रहा हूँ कि MTK के अंदर सिक्योरिटी किस तरह रिपेयर किया जाता है फ्री टूल के अंदर। जैसे कि इसके अंदर फ्री टूल मेरे पास मिल जाएगा और आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, माओमीटा वर्जन जो होता है, ये टूल से हम इसको रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको डिसकनेक्ट कर देते हैं और मैं आपको यहाँ पे टूल ओपन करके दिखाता हूँ जो हमारा फ्री ऑफ टूल है। आप ये पेड वाले से भी कर सकते हैं, फ्री वाले से भी कर सकते हैं, जो मर्जी आपकी, जिससे आपको इजी लगता है वहाँ से आप ये सिक्योरिटी रिपेयर कर लेना है। बस आपको तरीका आना चाहिए हर एक चीज़ का। तो ये कौन से मोड में जाके आईएमआई रिपेयर करता है, मेटा मोड होता है, मीडियाटेक का फ़ोन है, MTK मोड में जाता है, ATE मोड में जाके रिपेयर होता है, ये 2-3 अलग अलग मोड होते हैं। तो ये अगर आपको सीखना है जैसे कि सारा चीज़ MMC चेंज करना या सिक्योरिटी रिपेयर कर लेना, तो आपको पूरा डीपली नॉलेज यहाँ पर सिखाया जाएगा। MMC प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, MMC कॉम्पिटिबल कैसे लेते हैं, MMC चेंज किसका कर लेते हैं, किसी का डाटा बचाना है कैसे कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट बचाना है, तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ आपको इस कोर्स में मिल जाता है। यूएसबी से फ्लैशिंग कर लेना, यूएसबी से आपको MMC का प्रॉब्लम क्या कंडीशन पे, ये भी आपको कंफर्म हो जाता है। यूएसबी के थ्रू से हम सारे चीज़ें एरर बताते, जितना एरर जो मार्केट में कोई नहीं बताता वो सारे एरर हम यहाँ पर शो करते। तो ये सारा चीज़ हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारे नीचे स्क्रीन पे नंबर जो है दिया हुआ है, इस पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी और ले सकते हैं कि इन इंस्टीट्यूट में आपको और क्या चाहिए। तो यहाँ पे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्कैमेटिक सारा कुछ 20 डेज़ का कोर्स होता है हमारा।
तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट बैच अभी जो चल रहा है 27 अक्टूबर नवंबर का, अभी बैच हमारा बुकिंग चल रहा है 27 नवंबर का, आप ही इसमें बुक कर सकते हैं सीट अपनी। तो यहाँ पे हम फ़ोन को एक बार बैटरी निकाल के वापस लगा लेते हैं। ऑफ कंडीशन में हमें सिक्योरिटी इसका रिपेयर करना है, तो अभी ये ऑन नहीं करेंगे हम फ़ोन। अब यहाँ पे ये टूल ओपन हो चुका है, टूल में हम सिर्फ करेंगे नीचे कनेक्ट का बटन, आप दिख रहा है आपको, सिर्फ यहाँ आके कनेक्ट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे सारे स्टेप होते हैं, बूट, गेट कर्नल पोर्ट, कनेक्ट एपी, ये सारे वन बाय एक एक करके ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे हमें कोई की वगैरह प्रेस नहीं करनी है, सिंपली केबल को इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ पे पहले पोर्ट बनाएगा और इसके बाद यहाँ पे मेटा मोड में चला जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे छोटा सा लिख के आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बूट पे टिक लग चुका है, उसके बाद वन बाय वन करके सारे टिक लगेगा और यहाँ पे देखो स्क्रीन पे छोटे इसमें लिखा हुआ है मेटा मोड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं एकदम छोटा स्क्रीन में। तो ये मेटा मोड में जाने के बाद इसका सिक्योरिटी रिपेयर हो जाता है। तो यहाँ पे वेट करते हैं पूरा, जब ये आपका टिक हो जाएगा तो ये आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसके अंदर सिक्योरिटी रिपेयर करके बताऊँगा और वही फ़ोन में मैं यहाँ पर लाइव बताने वाला हूँ आपको। तो अभी ये देख सकते हैं पूरा कम्प्लीटली ये कनेक्ट हो चुका है, देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है कनेक्टेड, यहाँ पे ये पूरा टोटली कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको करना है लोड डीबी, यहाँ पे आपको एक डीबी फाइल को लोड करना है और यहाँ पे हमें कुछ देना नहीं है, ये खुद ब खुद टूल कर लेता है, बस आपको फ्रॉम टारगेट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे फ्रॉम टारगेट कर लिया और नीचे आप देख सकते हैं लोडिंग डीबी फाइल एंड लोड डीबी सक्सीडेड, मतलब ये फाइल को इसने ठीक से लोड कर लिया है। अब नेक्स्ट आना है आपको ये ब्रैकेट में सर्च वाले टूल में जाना है, यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे आईमिया डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सिम वन सिम टू का दो ऑप्शन मिलेगा। अब आपके पास दो आईमिया नंबर हो गए तो आप उसको दोनों भी आप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास इसका ऑलरेडी यहाँ पर सिक्योरिटी फाइल है, तो यहाँ पर हमें पूरा आईमिया नंबर कॉपी नहीं करना, लास्ट का छोड़ देना है, लास्ट का वो खुद ही ले लेगा। तो 14 ही ना डिजिट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ आने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में 7 आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसका लास्ट का हम नीचे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, लास्ट का यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर लेंगे तो लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 आ गया है। तो ये हमारे दोनों भी सिक्योरिटी इसमें आ चुकी है और यहाँ पर हम सिंपली राइट पर क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ पर राइट आईमीआई टू टारगेट सक्सेसफुली लिख के आ चुका है। एक बार रीड कर लेंगे, रीड करने में भी ये रीड कर रहा है, मतलब इसके अंदर आईमीए नंबर लग चुका है, और एक बार फिर से राइट कर लेते हैं क्योंकि हमें कंफर्म होना चाहिए। तो हमारा ये काम कंप्लीट हो गया यहाँ पे, अब सिंपली ये टूल को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने टूल कट कर लिए और उसके बाद यहाँ पे बैटरी निकाल के फ़ोन को फिर से ऑन करेंगे और आपको यहाँ पर मैं सिक्योरिटी बता देता हूँ जो हमने यहाँ पर राइट किए थे, यहाँ फ़ोन में आया है या नहीं आया है देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन ऑन होगा, तो यहाँ पे हमारी मेनू स्क्रीन आ चुकी है और यहाँ पे मैं एक बार आपको सिक्योरिटी बता देता हूँ जो हमने अभी राइट की है। तो अब यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले 000 आ रहा था, अभी यहाँ पे एक IMEI 1 और IMEI 2 दोनों नंबर आ गए हैं। और ये वीडियो मैंने इसमें कुछ भी स्किप नहीं किया है, पूरा सोल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, इसके अंदर कोई भी मैंने स्किप नहीं किया, ना कोई इसमें हाइड सोल्यूशन किया है, ठीक है। तो ये सिंपली इस तरह से प्रोसेस होता है मीडियाटेक का, ये फ्री टूल में बताया मैंने आपको, इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई पेड नहीं है, ये आपको फ्री गूगल पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप पेड वाले सारे टूल से कर सकते हैं, CM2, अनलॉक टूल, UMT, जितने भी आपके USB वाले टूल है मीडियाटेक के, आप सभी से वो सिक्योरिटी रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक तरीका बताया कि किस तरह ये प्रोसेस होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा दोनों IMEI नंबर आ चुका है और यहाँ पे हमारा ड्यूअल सिम का नेटवर्क रिपेयर हो चुका है और फ़ोन भी हमने MMC चेंज किए। तो ये एक लेटेस्ट फ़ोन है, जैसे कि वीवो का एक लेटेस्ट CPU का है, 4G वाला CPU है और इसके अंदर ये MMC चेंज करना पॉसिबल है। तो थैंक यू।
तो आप नेक्स्ट अगर आपको कुछ इसमें अगर जानकारी लेनी है कि एमएमसी चेंज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सारा प्रोसेस, तो आपको ज्वाइन करना होगा। नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट बैच अभी जो लगने वाली है हमारी 27 नवंबर से है, आपको सीट इसमें अभी नंबर जो नंबर दिया है उस पर आपको बुकिंग करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।